अकीदा बचाओ अपना, बहुत आला, अकीदा बचाओ अपना। आज कहता है दमा दम मस्त कलंदर, मैं कहा अगला फिक्रा बोल। चलो ये बात सिर्फ आसी साहब की नजर। ओ एक मौली साहब मुझे मिले, हम दिल नहीं मानता। मैं कहा मौला अली दा मन गया, चवड़े ते राजा नहीं मनिया। अफसलियत सिद्दीक अकबर का मसला ये जरूरियात आले सुन्नत में से है, और सिद्दीक अकबर की अफसलियत कतई है। मैं पता नहीं केड़ी गल कर लगे जेड़े जदे नु समझ आनी है। सिद्दीक अकबर को पहला नंबर आसी साहब ने नहीं दिया, सैयद गुलाम रसूल शराजी शाह साहिब ने नहीं दिया, सिद्दीक अकबर को मुसल्ले का वारिस किसी मौलवी ने नहीं बनाया। सरकार खुद फरमा रहे थे मुरु अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मुस्तफा के मुसल्ले पे आए। हुण अली आला बोलेगा, अली आला, अली आला, अली आला, अली आला। जब अबू बकर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे आए तो मौला हसन हुसैन को हजरत मौला अली ने अपने दाएं बाएं हाथों से पकड़ा, अली के पीछे खड़े होके फरमाया पीछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर। मैं कहा जिते पीछे मौला अली नहीं थी वो मेरा इमाम अबू बकर। ये आले सुन्नत का अकीदा है। रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? सिद्दीक। रसूलुल्लाह के बाद अफसल अल बशर बाद आज़म बिया पे तहकीक। मैं ना लेना है तुसी सिद्दीक लेना है। सैयद ना अबू बकर। थोड़ा जा हो रहा है, एंड करो है। सैयद ना अबू बकर। थोड़ा जा उठ ला दे गला पाट गया तो खैर है, सिद्दीक पाक दे खाते ही जाना है। सैयदना अबू बकर रसूलुल्लाह के मसल्ले का वारिस सैयदना अबू बकर, अमीर अल मोमिनीन सैयदना अबू बकर, और लड़के बोले जे खलीफत अल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर, इमाम सहाबा वाले बैत सैयदना अबू बकर, और खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर। ये भी सिर्फ और शाहजाद शाहजी जी तो मेरी गल है। हलाल जादों का पीर सैयदना अबू बकर।